하고 남장. 오, 삼삼, 맛있어 어디서 다 탔대. 그나 박이야. 아, 삼삼, 이제 아빠네 와서 돌을 맞아. 또 혹시나 아빠 내가 또 내? 아니, 내, 내, 무지 내 내가. 아, 쟤들아, 졸어. 아, 괜찮대. चलो देखते हैं कितनी ताकत है आपने। मैं आपको घुमा के रख दूंगी, उड़ा दूंगी आपको तो। मुझे तो चक्कर आ रहे। रुक जाओ, हम ना एक और गेम है। हम ना एक दूसरे का नाम लेते हैं ऊंची आवाज में। मैं लूंगा जमजम, आप लोगे मूसा। देखते हैं किसकी ज्यादा ऊंची आवाज है। आपकी बारी, आप मेरा नाम लोगी। मूसा। देखा भाई, मेरी सबसे ऊंची आवाज की है। अच्छा तो ये बात है, अब सुन मेरी आवाज से। अरे वाह भाई, क्या ऊंची आवाज है। अब मेरी सुनो, मैं आपसे भी ऊंची आवाज निकालूंगी। बस 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 बस। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों शोर कर रहे हो? पूरी बिल्डिंग में आवाज जा रही है तुम्हारी। और क्या तुम दोनों कैसा खेल खेल रहे हो? कोई कह रहा है मूसा, कोई कह रहा है जमजम, पास ही तो खड़े हो दोनों। अरे आपी, हम तो खेल रहे हैं। खेल खेल में तो शोर होता ही है, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे की आवाज टेस्ट कर रहे थे कि किसकी ज्यादा ऊंची आवाज है। दोपहर का टाइम है, इस वक्त सब आराम कर रहे होते हैं, और तुम लोगों का शरारतें सूझी हुई है। तुम लोगों को किसी का ख्याल है कि नहीं? लेकिन आपी, हम क्या करें, हम तो खेल रहे हैं। खेल खेल में तो शोर होता ही है। ओ माना कि हमारे पास खेलने के लिए जगह भी यही है और शोर भी होता है, मगर हमारे हमसाए रहते हैं साथ, वो सुबह से काम पे जाते हैं और शाम को आकर सो जाते हैं, आराम करते हैं। और अगर आप इस वक्त शोर करोगे तो वो आराम किस टाइम पे करेंगे? अगर हमने उनका ख्याल ना किया तो कोई हमारा भी नहीं करेगा। तो हम क्या करें? हम खेलना ही बंद कर दें। हाँ। अरे खेलो, मगर शोर तो मत करो। वो दूसरी वाली बिल्डिंग में आपकी आवाज जा रही थी। ओ आपी, आप ज्यादा हमसायों की साइड ना लो। उनके बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना, उस टाइम हम पढ़ रहे होते हैं, और वो भी बहुत शोर करते हैं। हम उन्हें कब कुछ कहते हैं? नहीं। ठीक है, हम नहीं कहते। उनके बच्चे शोर करते हैं, मगर एहसास भी तो किसी चीज का नाम है ना। आपी, जब वो किसी का एहसास नहीं करते तो हम उनका क्यों करें? लाजम नहीं कि हर कोई ऑफिस से ही आए, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई ख्याल रखे ना रखे, मगर आप लोगों को तो एहसास करना चाहिए ना। ये बात तो आप ठीक कह रही हो। हाँ। हमें हमसायों का ख्याल रखना है। क्या है? क्यों पानी फेंक रहे हो? क्या है? क्या है? सारे कपड़े गंदे कर दिए, गीला कर दिया। कौन है? क्या है? अरे क्या है, क्यों हम पे पानी फेंक रहे हो? पूरा भिगा दिया हमें। हाँ। क्यों फेंक रहे हो भाई, कुछ तो बताओ। इन हमसायों को भी चैन नहीं आता। हाँ, देखा। हाँ, फिर कर लिया सब हमसायों का। पानी फेंक दिया, अभी इतना लेक्चर दे रही थी कि एहसास करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी चीज। आपी, अब हम आपके कोई बात नहीं सुनने वाले। हम पहले इसके घर पे मारेंगे पत्थर, उसके बाद हम इतना शोर करेंगे कि तंग रह जाएंगे। हाँ। नहीं, मैं आप दोनों को ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटे, ऐसा नहीं करना। बेटा। हाँ जी, अब आप कौन है? ये कम नहीं थी लेक्चर देने वाली, और अब आप भी शुरू हो गए। इसकी बातें मैंने सुनी है, जो आपकी बड़ी बहन आपको समझा रही।
बेटा वो मेरे बेटे ने फेंक दिया आपके ऊपर पानी, मैंने उसको बहुत मना किया, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं आराम करना चाह रहा था, लेकिन बेटे शोर नहीं करो, एक दो दिन तक मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर खेलते रहना, ठीक, लड़ो झगड़ो नहीं, ना बेटा, थोड़ा सा बस ख्याल करना, मैं थोड़ा बीमार ठीक हो जाऊंगा, जैसे मर्जी खेल, अल्लाह आपका भला करे। हाँ बता, मेरी बात सच निकली कि नहीं? जरूरी नहीं जो हम सोचते हैं वही सही है। शुक्र करो अंकल के बेटे ने हम पे सिर्फ पानी फेंका है, पूरी की पूरी ईंट नहीं फेंक दी, जितना हमारा शोर था ना ईंट ही बनती थी। हाँ अगर अंकल का बेटा हमारे ऊपर ईंट फेंकता तो हम पानी से नहीं खून से भीग जाते। हाँ समझम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप भी, मुझे अंकल का बेटा आतंकवादी लग रहा है। क्या हो गया जमजम, हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहना, उसने तो अपने बाप का एहसास करते हुए ये किया है। जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं ना वहाँ पे ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। बर्दाश्त करने में ही हम सब की भलाई है। मगर हमें कैसे पता चलेगा ये अंकल अच्छे हैं या बुरे? हाँ अपी, जमजम ठीक कह रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि अंकल अच्छे हैं या बुरे? किसी को भी जानने के लिए वक्त लगता है, तो इसके बाद पता चल जाता है कि वो इंसान अच्छा है या फिर बुरा। अरे बच्चों, नाराज क्यों होते हो? मेरे बेटे ने आपके ऊपर पानी फेंका, मुझे पता है, मुझे एहसास है कि आप लोग गुस्से में, और खास तौर पे ये प्यारा सा बेटा, नाराज नहीं हो। ये देखो मैं आप लोगों के लिए तीनों के लिए आइसक्रीम लाया, खा लो, बस इतना ही कहना था, दिल में बुरा नहीं सोचना, बीमार हूं गुजारिश कर सकता, अल्लाह आपका भला करे। अंकल जी। बेटा हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने आपको डिस्टर्ब किया, वी आर सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप तीनों भी मेरे बच्चों की तरह हो, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है चलता हूँ। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। देखा, अच्छे बुरे का वक्त आने में पता चलता है। आपे, ये तो हमारे बहुत अच्छे वाले हमसाये हैं, हम इनको तो ऐसे ही बुरा समझ रहे थे। हाँ अपी, हमसायों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, हमने उन्हें कितना तंग किया लेकिन उन्होंने देखो हमें आइसक्रीम ला के दी। थोड़े से शरारती हैं, थोड़े से मासूम हैं, लाइफ की सब मुश्किलों के हल हमको मालूम है, ख्वाबों को ताबीर हम, खुशियों की तस्वीर हम, एक दूजे से मिलकर बने तीनों एक जंजीर हम, मूसा आमीर।